हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, यहाँ पर अभी सुबह के बज रहे हैं, 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। अभी जस्ट मेरा जो व्लॉग है वो एडिट हो गया है, एक्सपोर्ट पे लगा दिया है। इसके बाद मैं उसको अपलोड करके लाइव कर दूँगी, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सुबह के 7:45 बजे से लगी हूँ, 7:45, 8:15, 9:15, 10, 4 घंटे लग गए मुझे एडिटिंग करने में। तो यही मैं कहती हूँ कि एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। जितना हम वीडियो बनाने में टाइम लगा देते हैं, उतना एडिटिंग में भी इतना ही टाइम लगता है। तो उसके बाद जाकर अपलोड होता है, उससे उसको आप लोग अप्रिशिएट करने की बजाय आप लोग उसमें खामियाँ ढूंढते हो। तो ये काम मत किया करो, क्योंकि हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं तो वीडियोज़ बनाने में मज़ा नहीं आता। जितने अच्छे आप कमेंट करते हो, जितना आप लाइक करते हो, तभी जाकर वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो चलिए अब जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाते हैं, क्योंकि अस्मा के पापा जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो इशारा करके गए थे कि जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाना। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर ट्रेन मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुकर में चढ़ा दिए हैं आलू, क्योंकि मुझे सुबह में बनाने हैं पूरी भाजी। तो उसके लिए यहाँ पर आलू चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर आटा भी मल के रख दिया है गूंद के, क्योंकि सुबह में काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। मतलब सुबह जब मैं उठती हूँ 5 बजे, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता ये सब करने के लिए। सारी चीज़ें रेडी हो जाए, मतलब रेडी करके रखें। तो सारी चीज़ें रेडी करके रखो तो मुझे काफ़ी आसानी होती है। तो इस वजह से मैं रात में ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ। सुबह में उठकर मैं चटनी बनाऊंगी, आलू की भाजी बनाऊंगी, देन पूरी बनाकर सेक कर अजमा को दे सकती हूँ। तो इस वजह से आटा पहले ही गूंद लिया है। यहाँ पर मैंने जो आलू है वो चढ़ा दिए। आलू के बस 1-2 सीटी और आने देते हैं, फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे। और अभी मुझे अपना जो व्लॉग है वो एडिट करना है। थोड़ी सी सब्जियाँ अजमा के पापा लेकर आए थे तो उसको साफ भी कर दिया है। बस चलिए अपना जो व्लॉग है वो एडिट करना शुरू करते हैं, क्योंकि कल के लिए मैंने कुछ शूट किया नहीं है। कल जो व्लॉग आने वाला है वो फरीक के एंगेजमेंट के दिन मैंने जो मतलब एंगेजमेंट के लिए जो पोटली बनाई थी, जिसमें हमने गोद भरा था दुल्हन का, तो वो शेयर करूंगी। तो आज अभी एडिट करना है मुझे उस व्लॉग को, तो इसलिए मैंने कुछ व्लॉग बनाया नहीं। तो सोचा कि चलो अब से जो व्लॉग है वो शुरू करते हैं शाम से। तो अभी रात के बज रहे हैं 8:30 बज रहे हैं। तो जल्दी से चलिए अपना जो व्लॉग है जितना हो सकता है उतना एडिट कर लेते हैं। चलिए ये पकड़ दो, अंदर डाल। बाला करे चुन्नू, ओए अल्फो कत्ता मस्ती कर रहा, कत्ता मस्ती कर लो, कत्ता दिखा दिखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना अल्फा का जो रूटीन होता है मॉर्निंग का, वो अजमा आजकल करने लगी है। मतलब कि खुशी से कहती है कि जैसे ही वो रेडी हो जाती है ना स्कूल के लिए, अगर टाइम बचता है 5 मिनट 10 मिनट, तो वो बोलती है कि उसका खाना जो है मैं बना देती हूँ, यानी कि सेरेलेक जो है वो खुद बनाना चाहती है। और उसको ना डांटने के लिए भी नहीं देती है, इतना प्यार उसको करती है ना। अब हम अजमा को बोल रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गए, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही हो, तो इसको सेल कर देते हैं, हम इसको नहीं रखेंगे। तो वो रोने लग गई थी कल, तो बस इसी तरह से हम उसको चिढ़ाते रहते हैं ताकि वो पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे दे। क्योंकि ना जब भी मैं दोपहर के टाइम पे सो जाती हूँ, तो ये उसको लेकर बैठती है और मतलब के बिल्कुल भी उसको छोड़ती नहीं है, नीचे ही छोड़ने के लिए मना करती है उसको। इसी तरह से वो अपने पास रखती है, तो उसके पापा उसको चिल्लाते रहते हैं कि ऐसा मत करो अपने साथ में, इतना भी उसको ये मत करो, लेकिन सुनती नहीं है।
देखिए फ्रेंड्स, आज ना आजमा जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, ताकि काम बहुत ज़्यादा जब मैं एडिटिंग करने लगती हूँ तो मेरे आंखें ऐसे से हो रही थी, तो मुझे लगा कि चलो अब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, वरना फिर मुझे दूसरा और काम, दिन भर का जो काम होता है वो करने में नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। तकरीबन 7:30 बजे शायद मैं सोई, तो 8:30 बजे उठी, 1 घंटा मैं सोकर उठी हूँ। अजमा के पापा ना काफ़ी दिन से बोल रहे हैं कि इसमें से ना उनको कोई एक ड्रॉ चाहिए, तो पहले मैंने उनके लिए एक बनाया था बट वो निकाल दिया था। अब वो काफ़ी दिन से बोल रहे हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि चलो एक ड्रॉ जो है खाली करके उनको दे देते हैं। तो यहाँ पर ना वैसे एक खाली पड़ा हुआ है, उसको ना अच्छे से अरेंज करना है, तो जल्दी से अरेंज करके सारी चीज़ें एक ड्रॉ उनको दे देते हैं। तो चलिए सेकेंड वाला मैं अजमा के पापा को दे दूँगी, तो चलिए इसको खाली कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ड्रेसिंग टेबल आप देख रहे हो, ये मेरी शादी वाला ड्रेसिंग टेबल है। ये काफ़ी बड़ा था, मतलब कि एकदम चौड़ा था। अगर कहीं से भी मुझे वीडियो मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, या फिर इसी वीडियो में ऊपर लगा दूँगी। तो ये काफ़ी बड़ा चौड़ा था, तो हमने इसको कटवा कर इतने साइज़ में बनाया है ताकि ये यहाँ पर फिट हो जाए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ नीचे वाला जो ड्रॉ है, इसमें सारे मेरे मेकअप के सामान हैं, जैसे कॉम्पैक्ट हो गया, फाउंडेशन हो गया, लिपस्टिक वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। पर देखिए हमारे सारे जो भी दवाइयाँ हैं ना वो यहाँ पर रखी हैं। तो यहाँ पर बाम, जैसे रात में कभी कभी अजमा को नाक वगैरह बंद हो जाए या फिर मुझे चाहिए होगा, तो वो सब कुछ मैंने यहाँ पर रखा है। और इसके अलावा बेड के ऊपर भी एक रखती हूँ, ताकि वहाँ से उठ कर मुझे यहाँ पर नहीं आने के लिए होता है। यहाँ पर देखिए इसमें सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये देखिए ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो कि छोटे छोटे से हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर निकाल कर रखा है, क्योंकि अजमा के पापा की चीज़ें हैं। और ये जो है रात में अजमा के पापा ना इस तरह से, देखिए ये एक चेयर है काफ़ी छोटू सी मैंने, देखिए यहाँ पर, तो इसको ना यहाँ पर मोबाइल इस तरह से रख कर, ये देखिए अजमा के पापा का पुराना मोबाइल है, तो इस तरह से रख कर रात में अजमा के पापा चेयर पे बैठकर वो अपना मोबाइल जो है यहाँ रात में बैठकर देखते हैं। मेरे और अजमा के देखिए आई मास्क है, जो कि रात में जब कभी नींद ना आए तो लिया था हमने, मैंने तो कभी यूज़ किया नहीं बट अजमा ने यूज़ कर लिया है, तो वो है तो अरेंज कर दिया है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर ना कुछ फाइल वगैरह निकाले हैं जो कि हमारी मेडिकल फाइल्स हैं, जो कि यहाँ पर रखी थी मैंने, वो जगह नहीं बन पा रही है, तो सोच रही हूँ कि उसको यहाँ से हटाकर कहीं और कर देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कहाँ उसकी जगह बनती है। फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक खिला टोकर मैंने, यहाँ पर हमारे दोनों के हेडफोन्स हैं, ये मेरा है और ये अजमा के पापा का है, वो भी मैंने यहाँ पर टांग दिया, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारी जो चेयर है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर फ़िलहाल रखती हूँ, रोज़ सुबह में जब हसीना पा आकर झाड़ू पोछा करते हैं तब ये चेयर जो है यहाँ पर रख देती हूँ। तो इस चेयर की ना जगह नहीं बन पा रही है, क्योंकि हमारे घर में जब से अल्फू आया तब से ये दोनों चेयर जो हैं यहाँ पर रख रही हूँ, क्योंकि अजमा के पापा रात में वो चेयर लेकर वहाँ पर बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि चेयर वहीं पर रहनी चाहिए, फिर उसको यहाँ पर नहीं रख सकते, लिविंग एरिया में उसकी जगह ही नहीं बन पा रही, तो हटा दी मैंने वहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो ब्रेकफास्ट है वो अकेली कर रही हूँ, क्योंकि अजमा के पापा का जो ब्रेकफास्ट है वो हो गया है, क्योंकि आज पूरियाँ बनाई थी तो गर्मा गर्म बना कर खाने में जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है, तो अजमा के पापा को गर्मा गर्म दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर खुद के लिए जो पूरियाँ हैं वो सेक ली, थोड़े से हसीना पा के लिए भी बना कर रख दी, फिर अब यहाँ पर आप अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कर लेते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर मिलते हैं आगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी एसी में कुछ खराबी आ गई थी। पता नहीं क्यों 15 दिन से हमने एसी का जो मेन स्विच होता है उसको ऑफ कर रखा था, और अजमा के पापा को काफ़ी बोल रहे थे कि आज एसी ऑन करते हैं, कल एसी ऑन करते हैं, करते करते 3-4 दिन हो गए थे। बट अजमा के पापा जो एसी ऑन करने से मना कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी भी ठंडी है। यहाँ पर गोवा में ना काफ़ी बारिश होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो हम लोगों को ना एक हफ्ते से ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। कितने बोलने के बाद भी मना कर रहे थे, तो फिर फाइनली मान गए। और तो यहाँ पर ना मैंने रात में जैसे ही मेन स्विच ऑन किया तो बिजलियाँ काफ़ी हो रही थी, तो मेन स्विच ऑफ रखा था हमने, तो मेन स्विच ऑन करना भूल ही गए थे। फिर इसके बाद ऑन किया तो फिर एसी को ऑन किया, फिर एसी जो है ऑन हो गई हमारी, लेकिन हमारा जो बाहर का बॉक्स है एसी का वो ऑन ही नहीं हुआ था। मतलब मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि एसी का जो बाहर का बॉक्स होता है वो उसकी आवाज़ अंदर तक नहीं आती है। जब अजमा के पापा को मैंने थोड़ी देर बाद बोला, 5 से 6 मिनट के बाद, कि एसी ऑन करके भी इतनी देर हो गई अभी तक हमें कूलिंग नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों क्या हो गया देखो, तो फिर उन्होंने मतलब मेरे पसीने जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहे थे। एसी हमारी इतनी अच्छी है कि मतलब थोड़ी देर में इतना ठंडक दे देती है, और हमने कभी भी हमारी एसी को 26 से नीचे नहीं किया है, क्योंकि ये 1.5 टन की, 1.5 टन की है, तो काफ़ी ज़्यादा कूलिंग दे देती है, तो इस वजह से। तो फिर अजमा के पापा आए चेक करने के बाद, उन्होंने कहा कि एसी जो है कूलिंग नहीं दे रही है, बाहर का बॉक्स, उन्होंने विंडो खोल कर देखा तो उनको पता चला कि तो बॉक्स है वो ऑन ही नहीं हुआ, मतलब कि उसमें करंट नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, बाहर अभी हमें इसको कंप्लेंट देना पड़ेगा, अभी के लिए बंद कर देते हैं। काफ़ी देर उन्होंने बहुत मतलब सर्च किया, देखा, बहुत कुछ करने के बाद भी एसी जो है कूलिंग नहीं दे रही थी, तो फिर उनको लगा कि चलो अब इसको बंद कर देते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि ना काफ़ी दिन से बोल रखा था एसी ऑन करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और हमें हमारी अल्फा के लिए एसी को ऑन करने नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आना चाहिए था 1 बजे, थोड़ा सा लेट हो गया, 12:30 बजे आना चाहिए था, तो 1 बजे आई हूँ। बस अभी जैसे ज़्यादा कुकिंग नहीं है, चावल चढ़ा दिए हैं, यहाँ पर चुटकी मुटकी जो होती है उसको भूनने के लिए चढ़ा दिए हैं। जैसे ये भून जाए इसको भी तड़का लगा दूंगी, फिर यहाँ पर इसको निकालेंगे और यहाँ पर करेला फ्राई करूँगी। तो देखते हैं क्या क्या बनाती। हाँ नारियल ले तो। तो फिर हमने सुबह में किसी को कॉल किया, मतलब के जो हमारे एसी को इंस्टॉल किया था उनको हमने बोला था, हमेशा उनको सर्विस के लिए बुलाते हैं, तो फिर उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। आकर उन्होंने जब चेक किया तो इन्वर्टर का प्रॉब्लम दिखा रहा था, बस उन्होंने ओपन किया था। बाद में उन्होंने कहा कि ये काम मैं नहीं कर सकता, आप सीधे कंपनी को कॉल कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है। तो फिर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा। और वो जो हैं वो भी कंपनी वाले थे, बट उनको हमने सेपरेट प्राइवेटली बुलाया था, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं आप इनको, मतलब कि उन्होंने कहा कि कंपनी वालों को कॉल कर देना। फिर उसके बाद हमने जब कॉल किया तो अभी देखिए शाम का टाइम है, अभी आए हैं कंपनी वाले। तो इन्होंने जब खोला तो इन्होंने कहा कि आपका जो इन्वर्टर है उसका कुछ पार्ट चला गया, जिसकी कीमत है 10,000 की। तो मैंने आजमा के पापा से पूछा कि क्या हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो एसी है उसका इन्वर्टर का जो कुछ पार्ट चला गया है, तो फिर उसकी कीमत जो है 10,000 है। तो सुन के मैं सच में शॉक हो गई थी। फिर अजमा के पापा ने मुझे बोला कि नहीं, हमारी एसी की जो वारंटी है वो अंडर वारंटी है, 2 साल हुए हैं यार अभी अभी ख़रीद के, और नई एसी का कुछ चला जाए तो बहुत ज़्यादा शॉक में आ गई थी मैं। फिर उन्होंने कहा कि अभी 3 साल बाकी रहते हैं, तो जो भी है वो पार्ट्स वो खुद करके दे देंगे। तो 10,000 का फटका लगते लगते ना हम बच गए, सच में बहुत बड़ी बात होती है, 10,000 कोई मामूली बात नहीं है। तो यहाँ पर अजमा भी आ गई। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ब्लॉग का एंड लूँ, बहुत देर हो गया था लेकिन मैं एंड नहीं ले पा रही थी, अब ब्लॉग को एंड कर लेते हैं। और एसी की बात करूँ तो एसी अभी तक भी रिपेयर नहीं हुई है, क्योंकि एसी का जो पार्ट जो भी उसकी ख़राबी आई है उसका ऑर्डर दे दिया गया है, जिस पार्ट का भी प्रॉब्लम है तो वो आने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। मतलब कि उन्होंने कहा है कि 6 से 8 दिन का टाइम उन्होंने दिया है, हमने उन्हें कहा है कि जितना पॉसिबल वे में जल्दी हो सकता है उतना करा दो, देखते हैं कब क्या होता है। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लगी है, गोवा में ऐसा ही होता है, चाहे वो बारिश हो या फिर सर्दी का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, तो यहाँ पर गर्मी जो है ना बिल्कुल रुकती नहीं है, गर्मी होनी ही होनी है। तो बस वही है।
गर्मी जो है ना अभी भी ख़त्म नहीं हो रही है, तो क्या ही कर सकते। तो चलिए व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो क्या करना है आपको, लाइक करना है और बहुत सारा लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप मेरे व्लॉग को लाइक नहीं करोगे मेरे व्लॉग की रीच नहीं बढ़ेगी। और एक लाइक करने में आपका क्या ही जाता है, क्योंकि लाइक करना फ्री है। प्लीज़ ज़रूर से कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट अच्छे अच्छे कीजिएगा, ताकि मैं सारे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप तक लेकर आऊँ। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।